बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मंगल 8 जून 2021 है। 27 शवाल 1442 हिजरी का दिन है। मैं ईमान नदीम अस्करिया कॉलेज गर्ल्स विंग सदर कैंपस की जानिब से आज की असेंबली में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इरशाद होता है कि नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा करेगा। मैं नमाज और उसके तर्जमे के लिए दावत देती हूँ सर मोहम्मद दानिश को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नमाज का सबक पढ़िएगा मेरे साथ। قل هو الله احد कह दीजिए वो अल्लाह एक है। الله الصمد अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद ना कोई उससे पैदा हुआ। वलम यूलद ना वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ना कोई उसके बराबर का है। अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान रब्बियल अज़ीम पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुभान रब्बियल अज़ीम पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुभान रब्बियल अज़ीम पाक है मेरा रब अजमत वाला। समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द ऐ हमारे रब तमाम तारीफ तेरे लिए है। अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान रब्बियल आला पाक है मेरा रब ऊंची शान वाला। सुभान रब्बियल आला पाक है मेरा रब ऊंची शान वाला। सुभान रब्बियल आला पाक है मेरा रब ऊंची शान वाला। अल्लाहु अकबर
अल्लाह सबसे बड़ा है। अत्तहियातु लिल्लाही, तमाम कौली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु, और तमाम अमली इबादतें भी। वत्तय्यिबातु, और तमाम माली इबादतें भी। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर। अय्युहन नबीयु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो। वबरकातु, और उसकी बरकतें हो। अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर। وعلى عباد الله الصالحين، और अल्लाह के नेक बंदों पर। जज़ाकुम अल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह सर। आज के पैगाम के लिए मैं दावत देती हूँ सेकेंड ईयर बी वन की तालबा जवेरिया इमरान को। अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का पैगाम है वादा खिलाफी। वादा यानी ऐसा काम जो हम किसी के कहने पर करने को कहें कि हम कर देंगे, वादा कहलाता है, और उसको पूरा करना वादे की पाबंदी कहलाता है। हम एक दूसरे से जो वादे करते हैं, हमें इन्हें पूरा करना है। यकीनन ऐसे वादों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में वादा वफा करने की सख्ती से ताकीद की गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। और इरशाद फरमाया, और तुम वादे को पूरा करो जब तुम वादा करो। एक और जगह इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अल्लाह के यहाँ ये नाराज़गी के लिहाज से बहुत बड़ी बात है कि तुम वो बात कहो जो तुम खुद ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने इरशादात के ज़रिए भी इफ़ाए अहद की अहमियत और वादा खिलाफी की बुराई को बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें तीन बातें पाई जाती हों वो मुनाफिक है, जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अगर अमानत रखी जाए तो खयानत करे। मुस्लिम में ये अल्फाज ज़्यादा हैं, ख्वाह वो रोज़ा रखे और नमाज पढ़े और ख्याल करे कि वो मुसलमान है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातें जिसमें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसमें कोई एक खसलत पाई जाए तो इसमें मुनाफ़िकत की एक खसलत होगी जब तक वो इसको तर्क ना कर दे। जब इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा ना करे, जब झगड़ा करे तो गाली गलौच पर उतर आए। नफाक कुफर की एक किस्म है, और वादा खिलाफी को आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने नफाक करार दिया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वादा खिलाफी किस कदर मज़मूम बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए इफ़ाए अहद की ऐसी मिसाल कायम की है कि इसकी नज़ीर मिलनी दुश्वार है।
عبداللہ بن ابی الحماس سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کی، آپ کی کچھ چیز باقی رہ گئی، میں نے وعدہ کیا کہ میں یہ چیزیں یہاں لے کر آتا ہوں، میں بھول گیا، یہاں تک کہ آج اور کل کا دن گزر گیا، تیسرے دن میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فرمایا، صرف اس قدر فرمایا، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں یہاں 3 دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وعدے کی پابندی اور ایفائے عہد کا یہی سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رفقاء نے پڑھا اور اپنی عملی زندگی میں اسے برت کر دکھایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ قریش کے ایک شخص نے میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تھا اور میں نے اس سے کچھ ایسی بات کہی تھی جو وعدے سے ملتی جلتی ہے، تو میں ایک تہائی نفاق یعنی نفاق کی 3 میں سے ایک علامت کے ساتھ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اس لیے میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ افسوس ہے کہ اخلاقی انحطاط اور پستی کی وجہ سے آج سماج میں وعدہ خلافی کی 9 بنو صورتیں مروج ہو گئی ہیں اور لوگوں کے ذہن میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرض وغیرہ کے لین دین ہی سے وعدے کا تعلق ہے، حالانکہ ہم زندگی کے تمام مراحل میں عہد و پیمان سے گزرتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی ہیں، نکاح، خرید و فروخت، شرکت اور پارٹنرشپ، سب 2 طرفہ وعدہ ہی سے عبارت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زندگی کے ہر شعبے میں کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں ان الفاظ سے کرتی ہوں کہ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے گناہ چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنایا۔ شکریہ۔